हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, जो CITS एडमिशन 2021 के लिए जो एडमिशन होना है उसका जो फॉर्म है वो आ चुका है, ठीक है। यानी कि CITS एडमिशन 2021 का फॉर्म क्या हो चुका है भैया, आ चुका है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि CITS में जो एडमिशन होना है उसका फॉर्म आ चुका है। कब से अप्लाई होगा, तो 19 जुलाई से इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ये अभी लिंक नहीं आया है वेबसाइट पर। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कहाँ पर मिलती है, nimionlineadmission.in पर मिलती है। तो अभी फॉर्म इसका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, नोटिस आया है। नोटिस का वीडियो मैंने बना दिया है। नोटिस अगर का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में। 19 जुलाई से ऑनलाइन इसका फॉर्म शुरू होगा और कब तक चलेगा, 2 अगस्त तक, 2 अगस्त 2021 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी इन्होंने दे दिया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है आपका, एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका 20 और 21 अगस्त को, ठीक है। यानी कि लगभग कितना आपके पास समय मिलता है तैयारी के लिए, 30 दिन का समय मिलता है। तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्रिपरेशन में, उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 19 तारीख से आपका CITS का जो अप्लीकेशन फॉर्म है शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा, 2 अगस्त 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AICET, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा, वो होगा 20 और 21 अगस्त 2021 को। मैंने आपको भैया पहले ही बताया था कि जब भी इसका फॉर्म आएगा तो आपको तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, इसलिए आप पहले से तैयारी करते रहिए। कुछ लोगों ने बात सुनी, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी इस समय तक अच्छी तैयारी होगी। लेकिन कुछ लोग क्या हैं, फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो भैया फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे तो फॉर्म आ गया, अब फॉर्म भरने का इंतज़ार मत करने लगना कि फॉर्म भर लेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी अभी से शुरू कर दो, इसीलिए मैंने आपको अपडेट पहले दे दिया है। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। इसके पहले मैं बता दूं कि आपके मन में डाउट्स होते हैं, ठीक है। तैयारी में मन तब लगता है भैया जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर मान लीजिए मुझे CITS कोर्स करना है और CITS कोर्स से रिलेटेड डाउट मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा है, कि जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है। अब कुछ लोग ITI वाले लड़के हैं, उन्होंने किसी ट्रेड से ITI कर रखा है, अब उनको यही नहीं पता भाई हम किस ट्रेड से CITS कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, मान लीजिए मैकेनिकल डिप्लोमा वाले हैं, उनको यही नहीं पता भाई हम किस ट्रेड से CITS कोर्स कर सकते हैं। अगला डाउट क्या हो सकता है, हॉस्टल से रिलेटेड डाउट हो सकता है, फीस से रिलेटेड डाउट हो सकता है, ठीक है। CITS और अप्रेंटिस में हमको क्या चुनना चाहिए, इससे रिलेटेड डाउट हो सकता है। तो जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए मैंने एक सीरीज चलाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें लगभग 16 से 17 वीडियोस हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा CTI, या इसको आप CITS कर लीजिए, CITS एडमिशन 2021। चैनल का जो लोगो होता है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कई सेक्शन मिलेंगे, प्लेलिस्ट वीडियोस वगैरह का। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा CITS एडमिशन 2021। इस लिस्ट में जितने भी आपके डाउट क्लियरिंग वीडियोस हैं वो मैंने बना के रखे हैं। तो अगर CITS से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रिपरेशन है वो आपको ऐसे कैसे करनी है 30 दिन में, ताकि आपको क्या हो, अच्छा से अच्छा जो कॉलेज है वो मिल जाए। देखिए CITS कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, बहुत बड़ा कोई कोर्स नहीं, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन भैया ITOT से करोगे, प्राइवेट ITI से करोगे, दुगना तिगुना पैसा देकर करोगे, क्या मतलब है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन 30 दिन के बाद अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, NSTI कॉलेज मिल जाता है, तो 3-4 हज़ार में आपका फीस हॉस्टल सब कुछ हो जाता है। और ITOT में जाओगे, प्राइवेट ITOT जाओगे, उसी का 8 गुना 10 गुना 5 गुना आप पैसा दोगे, तो क्या मतलब है। थोड़ा सा 30 दिन पढ़ लो यार, करना ही है तो अच्छे NSTI कॉलेज से करो, कम पैसे में करो, ठीक है। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, कोई CITS एग्ज़ाम ही नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए 3 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। पहला क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि भैया आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है, सिंपल रहता है, हार्ड रहता है, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, किस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाने की संभावना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले। अब आप कहेंगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो होता है ऑनलाइन, और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कोई इसका पेपर वगैरह तो मिलता नहीं है, मतलब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के आए हो, पेपर सबमिट कर दिए, ख़त्म। तो जो भैया जो अगला बंदा के पास पेपर ही नहीं रहेगा तो वो आगे आने वाले लोगों को कैसे बताएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ बंदों को क्या होते हैं, कुछ लड़कों को प्रश्न याद होते हैं, स्मृति पर आधारित, यानी कि कुछ प्रश्न उसने याद कर लिए और जाके अगले को बता दिए, तो इस तरीके से जो प्रश्न हैं वो हमको मिल जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को संकलित करके पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं प्रश्नों को संकलित करके मैंने मॉडल पेपर बनाया है, तो उस मॉडल पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रखे गए हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल पेपर हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉडल पेपर यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो पहला है हमारा नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर। ठीक है, नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर भैया क्या है, तो CITS एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है 75-25, यानी 75 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, 25 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल से, जहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेट है वो नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर है, और इसमें 10 सेट हैं, यानी कि 25-25 क्वेश्चन के कितने सेट हैं, 10 सेट हैं। ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, ये जो मॉडल पेपर है नॉन टेक्निकल जो पोर्शन होता है उसमें अलग अलग ट्रेड का अलग से नहीं होता है, सभी ट्रेड के लिए ये 25 नंबर होते हैं ये कॉमन होते हैं। तो किसी भी ट्रेड से आप जुड़े छात्र हों तो ये नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं फुल मॉडल पेपर की, फुल मॉडल पेपर, तो ये हमारे कुछ ही ट्रेड के फुल मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। भाई जिस ट्रेड का मैं टीचर हूँ, जिस ट्रेड की मुझे अच्छे से जानकारी है, या जिस ट्रेड से रिलेटेड टीचर मेरे पास उपलब्ध है, उन्हीं का यहाँ पे फुल मॉडल पेपर उपलब्ध है। फुल मॉडल पेपर किसका उपलब्ध है, फिटर का उपलब्ध है, मशीनिस्ट का उपलब्ध है, टर्नर का उपलब्ध है, इलेक्ट्रीशियन और FDT यानी कि फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का उपलब्ध है। फिटर के 5 सेट हैं, मशीनिस्ट के 5 सेट हैं, टर्नर के 5 सेट हैं, इलेक्ट्रीशियन के 5 सेट हैं और इलेक्ट्रीशियन के 4 सेट हैं और फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के 4 सेट हैं। तो अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड छात्र हैं तो इस ट्रेड का फुल मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी ट्रेड के छात्र हैं तो आप ये नॉन टेक्निकल वाला मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो मॉडल पेपर हैं ये पेड हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की गई है, मैं आपसे कोई भाई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको लो, अगर आप कहीं और से प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नॉमिनल चार्ज इसका रखा गया है। आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लें हम लोग दूसरे की। ठीक है, पहला हम लोगों ने बात कर लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मॉडल पेपर से मिल जाएंगे, जहाँ पर 2020 के जो प्रश्न आए हैं उनको सम्मिलित करके ये पेपर जो है बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो सिलेबस देखिए निमी की तरफ से कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया टेक्निकल का, तो टेक्निकल ITI का आपको पूरा पढ़ना है, जिस ट्रेड से रिलेटेड आप हैं उस ट्रेड का पूरा आपको पढ़ना है। किस पैटर्न पर आधारित, निमी पैटर्न पर आधारित, अगर आपके पास निमी पैटर्न की पे आधारित कोई बुक हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पढ़ने की संभावना ज़्यादा है। नॉन टेक्निकल में भैया क्या पढ़ना है, तो नॉन टेक्निकल में निमी की तरफ से बस ये लिखा गया है कि आपका एप्टीट्यूड, आपसे क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या आपसे पूछा जाएगा ये कहीं पे नहीं बताएगा। मैथ में भाई 20 चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में 20 चैप्टर होते हैं, तो क्या आप पूरा पढ़ोगे, एक महीने में पूरा पढ़ सकते हो? तो पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, तो वहाँ पे मैथ से किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रश्न, और रीजनिंग से किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे,
ये मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है नॉन टेक्निकल सिलेबस का, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो नॉन टेक्निकल सिलेबस के नाम से है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो मैथ में चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर, 7 से 8 चैप्टर मुश्किल से हैं जो इस पर आपको फोकस करना है, और रीजनिंग में 3 चैप्टर हैं जिस पर आपको फोकस करना है। पिछली बार जीएस से या जनरल अवेयरनेस से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो आप यही मान के चलेंगे भैया कि इस बार भी जीएस से या जनरल अवेयरनेस से करंट से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। अब भैया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, सिलेबस भी पता चल गया। अब आप कहेंगे भैया तैयारी कहाँ से करें, सिलेबस तो बता दिया आपने, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ से? तो पढ़ने के लिए भी सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे पहला है रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग की क्लास यहाँ पे उपलब्ध है, 8 क्लासेज हैं, जहाँ पे 3 जो टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने बनाया हुआ है, तो जाके इसको देख सकते हैं। मैथ का प्लेलिस्ट है जिसमें 23 लेक्चर हैं, ये 2020 का है, लेकिन भाई मैथ कहीं बदल तो जाएगा नहीं, मैथ तो ही पूछा जाएगा, तो मैथ आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अपने से प्रिपरेशन करना चाहें तो सिंपल बहुत मैथ पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल मैथ पूछा जाता है। अगर आप अपने से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अपने से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीजनिंग की 8 क्लासेज है, देख सकते हैं, इसमें 3 क्लासेज अभी और होंगी क्वेश्चन डिस्कशन की, तो टोटल 11 क्लासेज हो जाएंगी, आपके लिए ये सफिशियंट है। साथ ही साथ अगर आप फिटर के छात्र हैं तो फिटर के 50 लेक्चर, फिटर थ्योरी का फुल कोर्स कराया गया है, आप देख सकते हैं। डीजल मैकेनिक के छात्र हैं तो इसके अभी 24 लेक्चर हैं, इसको आप देख सकते हैं, लगभग इसमें आधा 50% सिलेबस को कवर कर लिया गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए CITS से रिलेटेड हर यहाँ पे डाउट का सलूशन उपलब्ध है, यहाँ पर हर मटेरियल उपलब्ध है, बस आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर देखिए आपको PDF को डाउनलोड करने में कोई समस्या होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, किसी और माध्यम से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल उठेगा नहीं। जब कॉल उठना होगा तो उसका मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग बता दूंगा, तो वहाँ पे कॉल करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ इस पर व्हाट्सएप करेंगे अगर आप PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो। 6390505832 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके जो PDF से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको CITA से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले चाहिए और सही अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।